हिंदुत्व का भावना है सब पे, हिंदू ज्यादा है यहाँ पे, हिंदू प्रदेश होना चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड। उत्तराखंड अलग स्टेट का क्यों नहीं जरूरत है, स्टेट की जरूरत तो है हिंदू की। अच्छा है, मतलब हिंदुओं की भूमि होनी चाहिए जिसे हिंदू। हाँ, तो मुस्लिम लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने बड़ी मात्रा में जमीन खरीद ली है ना, रोजगार की कमी है तो उनको ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा रोजगार तो उन्होंने छीन लिया है, दुष्प्रचार उनका चल रहा है और उसमें लोग फंसते जा रहे हैं। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और वही कड़ी जो है उत्तराखंड के अंदर भी दिखाई दे रही है। ये पहले मयार ऐसी होती थी और अब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है। एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। अंग्रेजों के जमाने से सब एक दूसरे के साथ रहे, आज वो हिंदू देव भूमि क्यों हो गई? मज़ारों और मस्जिदों पर हमला, मुसलमान शॉपकीपर्स का आर्थिक तरह से बहिष्कार और कई मुसलमान रेजिडेंट्स का उत्तराखंड छोड़ के चले जाना, ये सब तरीके हैं जिससे उत्तराखंड को एक देवभूमि का स्टेटस देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी मेरा घर तैयार ही हो रहा था, मेरे घर में शादी थी ना, लो ये घंटी तोड़ी, ये बोर्ड तोड़ी, पहले तो अंदर से देखो। हल्द्वानी के बून भूलपुरा इलाके में मौजूद मदरसे और मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के एक हफ्ते बाद मुनीफा खातून 14 फरवरी 2024 को सब्जियां खरीदने और पड़ोसी से मिलने के लिए बाहर निकली थी। इस कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा में 6 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। मुनीफा का आरोप है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने करीब 10 साल पुराने घर में घुसते और उसे बर्बाद करते देखा। अपने बेटे की शादी के लिए हाल ही में मुनीफा ने घर रेनोवेट करवाया था। मदरसा और मस्जिद जो कभी मुनीफा के घर से ठीक सामने हुआ करते थे, अब वहां उनकी जगह एक पुलिस चौकी बना दी गई है। बुलडोजर ने न सिर्फ बर्बादी की बल्कि अपने पीछे गहरा जख्म भी छोड़ दिया। बच्चों ने कहा था कुछ दिनों पहले, इसे 35 लाख रुपए मिल रहे थे, कह रहे थे मैं मकान बेच दें। मैं बोली मन की बेटा गांव में मेरा दिल नहीं लगता, मैं गांव में कभी रही नहीं हूँ, मन की मैं तो यहीं रहती हूँ, मुझे लगता ही अच्छा था हल्द्वानी, मैं हल्द्वानी में रही हूँ पहले से। ये मुझे इतना बड़ा थप्पड़ मिला, बच्चे ये कह रहे हैं कि आज हम अपनी अम्मी के उससे रोड पकवा गए। मुनीफा के घर से कुछ ही कदम दूर रहने वाली एक और महिला का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। काफ़ी पुलिस वाले थे अंदर आके तोड़ फोड़, और हमारी नंद हैं, आप लोग यहीं बैठे थे? हाँ, यहीं पर थे हम, आके अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ करी। तोड़ फोड़ करने के बाद में हमारी एक राड नंद है, उनके शौहर ख़त्म हो गए, उनके ऊपर फौरन बंदूक तान दी, बच्चे रोने लगे, ये तो मेरा 7 साल का लड़का, उसके ऊपर भी बंदूक तान दी थी। और क्या बोल रहे थे बंदूक तानते? बहुत बदतमीजी कर रहे थे, हमारा मीट रखा था फ्रीज में, बोल रहे थे ये गोश्त की खाती है, सुअर खाया करो। बहुत पुलिस ने बोला इतना? जी सब बहुत बदतमीजी कर रहे थे, बहुत यही बोल रहे थे कि आदमी कहाँ है, तुम्हारा आदमी लाओ तुम अपने, अब जब थे ही ना तो आदमी उस टाइम पे। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसुलूकी के आरोपों से साफ इनकार किया है। कुछ एलिगेशंस जो है वो पुलिस पे लगाए गए कि पुलिस ने जो है कार्रवाई के दौरान जो है कुछ अभद्रता की, कुछ महिलाओं से बदतमीजी की, इस तरह की कुछ शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है। तो पुलिस जो है इसमें पहले से ही जो है बहुत फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, पुलिस ने सारी जो अपनी प्रक्रिया है एक कानून के तहत जो है पूरी इन कैमरा पूरी प्रक्रिया हुई है पुलिस की सारी, और जो है इसमें इस तरह पुलिस के सामने जो है कोई ऐसा विथ एविडेंस कोई ऐसा तथ्य अभी सामने नहीं आया, अन्यथा इसमें जो है एक मैजिस्ट्रियल जांच भी कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की जा रही है। मदरसे को गिराए जाने के बाद अधिकारियों ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे। 6 लोगों की मौत हुई थी। इन 6 लोगों में 43 साल के जाहिद
और उनका 17 साल का बेटा अनस भी शामिल था। हमारे दामाद छड़ेल में काम करते थे, उनको फोन किया मैंने, कहा भैया यहाँ फोर्स गई हुई है मलिक के बगीचे में, तुम जरा देखभाल के अपने घर को आना। तो बोले ठीक है खाला, आप परेशान ना हो, मैं अपना टाइम से घर आ जाऊँगा। आ गए वो टाइम से, घर भी आए तो बेटी ने हमारी कहा कि ज़रा दूध ले आओ नवासे के लिए, दूध ख़त्म हो गया है, क्या पता क्या है क्या नहीं है, दुकानें बंद होती चली जा रही थी। तो वो दूध लेने के लिए बस 150-200 मीटर कदम की दूरी पे वो गए घर से, और वहाँ फ़ोन पे बात कर रहे थे, और बात ही करते करते इतने में गोलियाँ चली, पीछे से बेटा गया कि लाभ मैं अपने पापा को देख के लाऊँ, दूध लेने इस वक्त क्यों निकले। अब पता नहीं बेटे ने गोली लगते हुए देखा या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको भी वहीं पर गोली का निशाना बना दिया। पुलिस और अधिकारियों ने मारे गए इन 6 लोगों को दंगाई बताया था। ये दंगाई नहीं है, ये शहीद हुए हैं, ये कोर्ट या कोई भी बोले ये गलत है इनका। अगर इंसान बाहर अपने किसी मजबूरी में निकल के जा रहा है तो क्या वो दंगाई है? और अगर आपको ये लग रहा है जो दंगाई है तो उनको पकड़ो और उनको सजा दी जाए। हमारी तो जन्म तिथि यहीं की है, हम तो साल क्या बताएं, हमारी तो बाप दादा नानी नाना सब यहीं करते। इंदिरा कांड में कभी ऐसा नहीं हुआ, कमला कांड हुआ उसमें नहीं हुआ, कभी भी अगर कोई, पहले तो दंगे नहीं होते थे, अगर हुआ भी तो ऐसी फिजा कभी ख़राब नहीं हुई जैसे अब हुआ है कि कितने लोग मारे गए, फायरिंग हुई है इसमें, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं था। दिसंबर 2021 में हिंदू धार्मिक नेताओं और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिन की एक धर्म संसद का आयोजन किया था, जहां खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए ऐलान किया गया। या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके बाद धर्म संसद के मुख्य नेताओं में से एक स्वामी प्रबोधानंद गिरी का एक वीडियो सामने आया। इसमें उन्होंने खास तौर पर उत्तराखंड की देवभूमि के बारे में बात की। मेरे देवभूमि के प्रिय देवभूमिवासियों, देवभूमि जिहादियों के चुंगल में आ गई है, यह आप सबको पता है। आए दिन जिहादी लैंड जिहाद और लव जिहाद कर रहे हैं। देवभूमि की रक्षा करने के इस तरह के खुले आवाहन का असर मुसलमानों पर होता है। वे दमन का शिकार होते हैं और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाता है। मई 2023 में जब दो लोग जितेंद्र और उबैद ने कथित तौर पर पुरोला में एक नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा करने की कोशिश की तो लव जिहाद की अफवाह फैलाई गई, जबकि आरोपियों में से एक हिंदू था। इसके बाद मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके खिलाफ बॉयकॉट के पोस्टर लगाए गए और उनकी दुकानों पर काले निशान बनाए गए, जैसे यहूदियों को निशाना बनाने के लिए नाजी किया करते थे। इसके एक महीने बाद जून 2023 में हल्द्वानी के कमालुआ गाजा में एक मुस्लिम कारपेंटर नफीस को स्थानीय लोगों ने पीटा, परेड कराई और उसका सिर मुंडवा दिया, क्योंकि उसके खिलाफ एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि उसने कथित तौर पर एक गाय का रेप किया है। राइट विंग न्यूज पोर्टल्स ने इस खबर को पब्लिश भी किया था, जबकि वहां के लोगों ने बताया कि सैलरी नहीं देने पर हुई बहस के बाद नफीस के मालिक ने ये झूठी अफवाह फैलाई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि इलाके के मुस्लिम दुकानदारों को, जिनका नफीस के मामले से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी परेशान किया गया। लेकिन वहीं कुछ हिंदू मकान मालिक और दुकान मालिक मुस्लिम किरायेदारों की सुरक्षा के लिए आगे भी आए। प्रेम वाली बात है, मेरी दुकानदार है, मेरी गारंटी है उनकी। आपकी गारंटी, कोई गलत काम करेगा क्योंकि आपको मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी, गारंटी मेरी है, अगर सबूत होगा तो बताओ। इस घटना के 7 महीने बाद फरवरी 2024 में द क्विंट कमालुआ गांजा पहुंचा। यहां मुसलमान अभी भी अनिश्चितता और डर के साए में जी रहे हैं। उस समय हुई तोड़फोड़ के बाद से अब तक फरजंद अली के इस सैलून की पूरी तरह मरम्मत नहीं हो पाई है। तो वो खोल गए, उसमें तोड़फोड़ कई चीजें तोड़ गए, वो
जो मुसलमान दुकानें थी उन्हीं पे हमला हुआ सिर्फ। कमालुआ गांजा के दूसरे दुकानदार इन मुस्लिम कारपेंटर की तरह ही कैमरे पर बोलने से डर रहे थे। लोगों मतलब जो बाहर के लोग हैं निकालना चाह रहे हैं उन्हें यहाँ से हल्द्वानी से, जो मुसलमान लोग हैं। कई मरतबा हो गया, तीसरी मरतबा है ये। अभी पिछले साल हुआ था तो क्या हुआ था? कोई गाय का मसला रखा था रेप का उसका, तो उसमें जो है उसमें भी यही हुआ था। दुकानदारों पर मतलब दबिश डाली थी जो बाहर के लोग हैं, मंडन लोग हैं मुसलमान। इससे पहले मई 2023 में एक शादी के कार्ड ने पूरे उत्तराखंड और देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया था। यह कार्ड बीजेपी नेता और पौरी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की बेटी की शादी का कार्ड था। उनकी बेटी अपने पसंद के एक मुस्लिम लड़के से शादी करने वाली थी, लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध और दबाव के बाद यशपाल बेनाम को शादी रद्द करनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि शादी कराना मुझे कुछ स्वयं शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि तमाम हमारे जो स्थानीय संगठन है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है। शादी रद्द कराने के लिए बीजेपी नेता के खिलाफ प्रदर्शन कर दबाव बनाने वालों में एक अहम नाम था दर्शन भारती का। दर्शन भारती हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मौजूद थे। वह देवभूमि रक्षा अभियान नाम से एक संगठन चलाते हैं। देवभूमि रक्षा अभियान की वेबसाइट के अनुसार इस संगठन का मिशन देवभूमि की संस्कृति, धर्म और मूल्यों को चोट पहुंचाने के किसी भी प्रयास को विफल करना है। यह हलाल सर्टिफिकेशन, लैंड जिहाद, धर्मांतरण के खिलाफ भी बोलते हैं। मोस्टली वर्क ऑन द कल्चरल, ऑन सेविंग एंड रीइंस्टेटिंग द कल्चरल, ट्रेडिशनल, रिलीजियस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ उत्तराखंड। लेकिन देवभूमि है क्या, इसकी पुनर्स्थापना की जरूरत क्यों है और इसे किससे सुरक्षित रखने की बात की जा रही है? देखिए, सब जगह मंदिर तो जरूर हैं, लेकिन उत्तराखंड का तो जो मूल है वही मंदिरों में व्याप्त है। यहाँ का जो व्यक्ति है वो धार्मिक भावनाओं के साथ तो जुड़ा हुआ ही है, यहाँ का रोजगार भी धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, चार धाम यहाँ पर हैं, एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। आदिकाल से ही इन धामों में पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आते हैं। उत्तराखंड में कई सारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं। हरिद्वार से लोगों की भावनाएं खास तौर पर जुड़ी हुई है। जून 2023 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स मुस्लिम परिवार पर गंगा घाट से दूर चले जाने के लिए चिल्ला रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ केवल हिंदुओं को ही अनुमति है। बाहर 2015 में बीजेपी नेता और फिलहाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांग की थी कि हरिद्वार के प्रसिद्ध गंगा घाट हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के आने पर प्रतिबंध लगाया जाए। 2006 में यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने हरिद्वार में गंगा तट पर इफ्तार का आयोजन करवाया था, जिसके बाद काफी विवाद देखने को मिला। हर कुछ महीने में उत्तराखंड की रहने वाली दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी राधा सेमवाल धोनी का एक वीडियो वायरल हो जाता है। अगर वो मुस्लिम विक्रेताओं को परेशान नहीं कर रही होती हैं, तो मजारों को तोड़ रही होती हैं। लेकिन मजारों या धर्मस्थलों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का नेतृत्व मुख्य रूप से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया है। राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं। मई 2023 तक उत्तराखंड सरकार ने अपने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत 440 तीर्थस्थलों और 45 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था।
रामनगर के पास तराई पश्चिमी वन प्रभाग में नाथन पीर बाबा मजार उनमें से एक थी। मजार की देखभाल करने वाले लियाकत हुसैन अब भी अक्सर उस स्थान पर जाते हैं जहां कभी मजार थी। दशकों पुरानी खिलती जमीन अब बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं है। हाँ जी, ये दरगाह थी। कितनी बड़ी थी ये? थी 20x20 की। उसके साथ में पक्की कब्रें थी जो यहाँ मुजाविर खिदमत करते थे। मेरे पापा का यहाँ से यहाँ 16 साल पहले मटर हुआ है, उनकी भी कब्र यहीं थी। नहीं, वो आपके वो केयरटेकर थे आपसे पहले वो? हाँ, 16 साल पहले वो पापा थे हमारे। उससे पहले कौन थे? उससे पहले एक हिंदू ठाकुर थे। अच्छा। उससे पहले पाकिस्तान के मलंग थे, मस्तान। बहुत फकीर रहे, सदियों से है, कोई आज से नहीं है, कोई नई कहानी नहीं थी। और एरिया सब मानता है, बड़ी बड़ी दूर से यात्री आते थे। ये सब कब्रें हैं पक्की जो गुजरों ने बना दी थी। कब्रें भी तोड़ दी? हाँ, सब कुछ खत्म कर दिया। देखो सब कब्र हैं ये। यह मुख्य रूप से वन गुज्जर या वे समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन्होंने अपने मृतकों को मजार के बगल में दफनाया था। इनमें से एक हैं खातून बीबी, जिनका परिवार पीढ़ियों से यहाँ रह रहा है। अरे तो सारा परिवार में यहीं दफनाते हैं, यहीं दफन होता है यहीं। मेरी लड़की भी थी एक छोटी, उसको भी यहीं दफनाया था। हाँ, जेठानी हमारी, वो भी यहीं दफनाई गई थी। सास ससुर भी यहीं है। कहीं कोई कब्रिस्तान है आसपास? ना, कहाँ यहाँ आसपास कहाँ है। वो दफनाने एक परी तरफ की लड़की ख़त्म हो गई थी, वो उसको दफनाने के लिए पूजा और वो दफनाने नहीं दी वहाँ पर। संयोग से ध्वस्त मजार से कुछ ही दूरी पर सती मंदिर नामक एक मंदिर है, जिसके बगल में मंदिर के पुजारी शिव शंकर शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि जिस समय मजार को ध्वस्त किया गया था उसी समय अधिकारी उनके दरवाजे पर भी आए थे, लेकिन तब मजार तोड़ी गई, मंदिर नहीं। यहाँ भी आए थे, फिर उन्होंने अपना देखा भी होगा कुछ, तो उन्होंने आपको आके बोला शुरू में कि ये मंदिर हटना होगा। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा ये जंगलात की भूमि है, लेकिन हमारा जो मंदिर है ना, ये जो NH निकल रहा है यहाँ से, पहले ये यहाँ नहीं था, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे था। और दूसरी बात ये है, ये जो भूमि है जहाँ हम बैठे हैं, ये बुक्सो की भूमि है, ये भारत सरकार की भूमि थी नहीं। वन की लैंड से अगर हटाना है तो देखिए, मंदिर तो सार्वजनिक होते हैं, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपने ज़मीन ही चाहिए तो आप ग्राम समाज में जरा जाके देख लो, आधे आधे गांव खाली हो जाएंगे अगर ग्राम समाज की ज़मीनें खाली करवाएं तो कम से कम भी नहीं है तो 1000 एकड़ भूमि वहां निकल जाएगी। सती मंदिर और ध्वस्त नाथन पीर बाबा मजार के समानांतर चलने वाले राजमार्ग पर ऐसे कई बैनर हैं जिनमें PM मोदी और CM धामी की तस्वीर है, जो जनता को उनके मंदिर विकास कार्यक्रमों के बारे में सूचित करते हैं। रामनगर शहर में एक और सदियों पुरानी मजार, जिसे 2023 में ध्वस्त कर दिया गया था, वह थापली बाबा मजार थी। इसके अधिकांश विजिटर भी आसपास रहने वाले हिंदू थे। ये पहले मजार ऐसी होती थी और अब बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है, ऊपर बिल्कुल प्लेन कर दिया गया है, बिल्कुल कोई मजार नहीं दिखाई देती, नहीं तो ऊपर से ऐसा दिखाई देता था ये मजार शरीफ। नहीं, मानते तो सभी थे, मतलब 75% तो हिंदू मानते थे और 25% मोमडन। अच्छा। वो भी जो बाहरी क्षेत्र से आते थे। इतने मानते थे भाई। आप हिंदू हैं? हम तो हिंदू हैं। इन मजारों के मानने वालों के बावजूद देवभूमि के कॉन्सेप्ट की चाहत रखने वाले कई लोग मिले। मानते क्या थे? जाते थे लोग तो हम भी चले गए। माना नहीं माना क्या, हम तो अपने को मानते सनातन को। अलग स्टेट का क्यों नहीं जरूरत है? स्टेट की जरूरत तो है हिंदू की। अच्छा। होनी तो चाहिए, क्योंकि यहाँ हिंदू रहे हैं, पहले सनातनी लोग रहे हैं, तो इस हिसाब से 84,000 देवी देवता रहे हैं, तो इस हिसाब से तो यहाँ हिंदू लोग रहने चाहिए ज्यादा, अधिकतर लोग रहने चाहिए। पर बाकी सबका कारोबार है, अपना कार्यक्रम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
भाई हमारा मकान बनाया है तो दूसरे जाति के लोग आएंगे, हमें तो आता ही नहीं है, मैकेनिक हैं, कोई भी चीज़ कमी है तो आए तो लोग आ ही रहे हैं, बाहर से कर ही रहे हैं सब लोग। हमारे तो पूरे मोहल्ले में एक मैं हिंदू पाकिस्तान मोहम्मदन है, उनके बीच में रह रही हूँ, भगवान की कृपा से कभी हम पर चू भी ना हुई, तो मैं कैसे कह दूँ मुसलमान का अच्छे नहीं है, मुसलमान अच्छे नहीं है। जब हिंदू आएंगे, हिंदू कोई आगे बढ़ेंगे, कोई काम करेंगे, तो हम तो हिंदू के साथ हैं, हम मुसलमान के साथ क्यों रहेंगे। कल एक मोर्चा चला हाँ। हिंदुओं के लिए हो उत्तराखंड से हाँ, हाँ। तो आप उसमें आप मानती हैं हम हाँ, हाँ, सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट तो है ही, फिर हिंदू हाँ। हिंदू हैं हम, जब आएगी नौमत हटाने की तब सरकार हटा ही देगी, तो हमारे बस की बात भी ना, तो हम जो उनसे कह देंगे तुम मत हटो और हिंदू आएंगे यहाँ पर, तो आप मान जाएंगे अगर सरकार मुसलमानों को हटाने आई यहाँ पे, तो हम साथ ही चलेंगे सरकार के साथ। हाँ बिल्कुल साथ ही हम तो अब तक। आपको ये नहीं लगेगा अपने मुसलमान नेबरों का साथ दें आप जो उनके साथ रहती हैं? देखो अब जिसके चार जने साथ होंगे उसी के साथ तो हम जाएंगे, आपके साथ चार होंगे तो हम चार जाएंगे, उनके साथ एक तो हम करते जाएंगे। हम कई कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तराखंड आंदोलन के लिए संघर्ष करने के बाद साल 2000 में उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में उभरा, जो एक देवभूमि हिंदू राज्य की मांग नहीं थी बल्कि मुख्य रूप से एक आरक्षण विरोधी आंदोलन था। प्रभात ध्यानी आंदोलन के सदस्यों में से एक थे। 94 में इस आंदोलन ने जोर पकड़ा और उसके पीछे जो मुख्य कारण था कि जो तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी मुलायम सिंह यादव जी की, उन्होंने शिक्षा के अंदर प्रवेश में 27% OBC आरक्षण को लागू कर दिया गया था। उत्तराखंड मूवमेंट में 42 लोगों की शहादत हुई, हर धर्म के लोग मरे, उसमें सलीम भी है, उसमें सिख भी थे हमारे, महिलाएं थीं, तो इसमें हर कम्युनिटी के लोगों ने अपना बलिदान दिया है। लेकिन अब 2014 के बाद ये जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, जो पूरे देश का जो पूरा यहाँ पर जो ये फैलाया जा रहा है, खास करके एक उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के तौर पर हमने देखा कि ये अभी टिहरी के अंदर हुआ, अभी हल्द्वानी के अंदर हुआ, तो ये जगह जगह पर इस तरह से ये फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने बड़ी मात्रा में ज़मीन खरीद ली है या हमारे कारोबारों पर कब्जा कर लिया है, इस तरह का उनका एक पूरा एक दुष्प्रचार उनका चल रहा है और उसमें लोग फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उनको फंसाया जा रहा है इस तरह से, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है। ऐसे कट्टर हिंदू विश्वासी भी थे जो सिर्फ हिंदुओं की देवभूमि के विचार के सख्त खिलाफ थे। नहीं होना चाहिए, ये नहीं मानते, बिल्कुल नहीं होना, ऐसा कोई वो नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़, सब मिले जुले हैं, हम उस चीज़ को मानते हैं, ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हिंदू को ही मानते हैं। यहाँ पर मेरे पास ही पत्रकार आए थे, लेडीज थी, तो एक हमारे मित्र रोज के ही मिलने जुलने वाले, मतलब वहाँ आते रहते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, और जय श्री राम बोलते रहते हैं, हम भी उनको बोलते रहते हैं। इतने में वो लेडीज आई तो मेरे से ज़ोर से बोलने लगी, आप ज़ोर से बोलिए जय श्री राम, उन दिनों की बात है जब अयोध्या वाली बात हुई थी, ज़ोर से बोलिए। मैंने क्यों, मैं जिन्होंने मुझसे जय श्री राम बोला उन्होंने सुन लिया, जवाब दे दिया, आप किस बात पर करी, मैं रोड के पार उधर वालों को आवाज़ लेके कहूँ जय श्री राम, नहीं अयोध्या में ये हो रहा है, आपने आते ही आपने क्यों नहीं कहा जय श्री राम, ये बताइए, माथे में त्रिपुंड लगा लिया आज आपने, क्या रोज लगाती हैं आपने, ये बताइए पहले, आप एक दिन के लिए लगा रखा है सिर्फ, आपने आते ही जय श्री राम बोला, नहीं बोला ना तो मुझसे कैसे कह रही हैं आपकी जय श्री राम जोर से बोलो। दिखावे को नहीं मानता हूँ, पूजा पाठ हम भी करते हैं, रोज़ नहाते हैं धोते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, हैं मन में बसे होने चाहिए, ये दिखावा करने से कुछ नहीं होता। सरकार UCC लेकर के आई है, UCC को लेकर के भी सरकार जो सोच रही थी कि सोसाइटी के अंदर उसकी वाहवाही होगी, लेकिन सोसाइटी ने भी बहुत ठंडा रिएक्शन UCC को लेकर के दिया है। तो उत्तराखंड के अंदर तो बकायदा उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि राम के नाम पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, और वही कली जो है उत्तराखंड के अंदर भी दिखाई दे रही है। If you like our reporting, do consider becoming a member of the Quint so that we can continue bringing reportage from the ground like this one. एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, 400 हारने जा रहे हैं, हम्मा हम्मा रोड़ो करी बीजेपी इस खरब अपनी बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया, राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते